Hey guys, welcome back to my channel. This is Muskan. I hope you are all well. Friends, मैंने आज से पहले एक भी मेकअप की वीडियो अपलोड नहीं की है. ये मेरी फर्स्ट वीडियो है मेकअप की. और आज की मेरी इस मेकअप की वीडियो की एक ही खासियत है कि मैंने आज अपने मेकअप में, पूरी मेकअप में एक भी एक्सपेंसिव प्रोडक्ट यूज़ नहीं की है. कुछ कुछ लोगों को लगता है कि मेकअप के लिए सिर्फ एक्सपेंसिव प्रोडक्ट ही चाहिए, इसीलिए मैंने ये वीडियो अपलोड की है कि चीपेस्ट मेकअप प्रोडक्ट से भी मेकअप किया जा सकता है. आई होप मेरी फर्स्ट मेकअप की वीडियो आपको अच्छा लगेगा. देन बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स गेट स्टार्टेड. मेकअप की शुरुआत में आप अपने फेस को मॉइस्चराइज कर लीजिए. देन अपना सूटेबल कोई भी फाउंडेशन यूज़ कीजिए जो आपको सूट करता हो. फिर आप कंसीलर यूज़ कीजिए. मैंने यहाँ पर ओलिविया का कंसीलर यूज़ किया है. ये बहुत ही सस्ता है मार्केट में. अराउंड माई आईज एंड फोरहेड पे मैंने कंसीलर यूज़ किया है. कंसीलर सेट होने के लिए कॉम्पैक्ट यूज़ करना बहुत ही ज़रूरी है. मैं यहाँ पे अपने कॉम्पैक्ट को यूज़ कर रही हूँ जहाँ जहाँ मैंने कंसीलर यूज़ किया है. देन मैं अपनी चीक की कॉन्टरिंग करूँगी. कॉन्टरिंग करने के लिए मैं अपनी आई शेडो पैलेट की ब्राउन कलर यूज़ करूँगी. मैंने यहाँ पर कोई भी ब्रश यूज़ नहीं की है क्योंकि मुझे ब्रश लगाना बहुत ही टफ लगता है, इसलिए मैंने ब्यूटी ब्लेंडर से ही इसे अप्लाई करूँगी. अप्लाई करने के बाद इसे अच्छे से ब्लेंड कर दूँगी. एज यू कैन सी गाइस, वही ब्राउन कलर मैं अपनी नोज़ पे भी यूज़ करूँगी. अब मैं अपनी आईब्राउज़ को ठीक करूँगी. इसके लिए मैंने वेव एक्ट की ब्राउन लाइनर लिया है. और जैसे कि फ्रेंड्स मैंने आपको पहले ही बताई थी कि मैंने कोई भी एक्सपेंसिव प्रोडक्ट यूज़ नहीं की है, वैसे ये ब्राउन लाइनर भी उतना एक्सपेंसिव नहीं है. अब बारी है आई मेकअप की. मैंने यहाँ पर मार्स का आई शेडो पैलेट यूज़ किया है. इसकी ब्राउन कलर मैं अपनी आई पे लगा रही हूँ लाइक दिस. देन मैं ये ब्लू कलर यूज़ करूँगी क्योंकि मैंने अपनी ड्रेस ब्लू पहनी है इसलिए. अब बारी है आईलाइनर की. मैंने यहाँ पर केंट ऑफ लंदन आई ग्लैम ब्लैक लाइनर यूज़ किया है. और ये आईलाइनर बहुत ही अच्छा है, लॉन्ग लास्टिंग है और इसकी प्राइस भी बहुत ही कम है. मुझे आईलाइनर लगाना बहुत अच्छा लगता है, स्पेशली विंग आईलाइनर. मैं जब भी आईलाइनर देती हूँ मैक्सिमम टाइम मैं विंग आईलाइनर ही देती हूँ. और तो और मुझे लॉन्ग विंग बहुत पसंद है. मेरे जब कज़िन या फिर कोई छोटी बहन आके मुझसे कहती है कि दीदी थोड़ा सा मेकअप करवा दीजिए, थोड़ा सा आईलाइनर लगा दीजिए, तो मैं उन सब को ऐसा, मतलब वो सब आते ही मुझे पहले से बता देते हैं कि दीदी प्लीज़ विंग नहीं.
खैर कोई बात नहीं, मैं डिफरेंट डिफरेंट आईलाइनर की स्टाइल भी आपको बाद में कुछ वीडियो अपलोड करूँगी, उसमें आपको सारी स्टाइल मैं बता दूँगी। और बातों ही बातों में हमारा आईलाइनर लगाना भी हो गया है। अब बारी है काजल की। मैं अपनी वाटर लाइन पे मेबेलिन न्यूयॉर्क का क्लॉसल एक्स्ट्रा डार्क यूज़ कर रही हूँ, एक्स्ट्रा डार्क काजल। ये मेरा फेवरेट काजल है। अब मस्कारा लगाना बाकी है। मैं यहाँ पर MN का मस्कारा यूज़ कर रही हूँ। मुझे पता है मैक्सिमम लोग इस ब्रांड का नाम ही नहीं जानते, ये बहुत ही लोकल ब्रांड है। एंड ट्रस्ट मी गाइस, मैंने बहुत सारे मस्काराज यूज़ की है लेकिन इससे अच्छा मस्कारा मुझे कभी नहीं मिला है। मैंने बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड के डिफरेंट डिफरेंट मस्कारा यूज़ की है लेकिन इससे अच्छा मस्कारा मुझे नहीं मिला है। इसका प्राइस भी बहुत कम है, ऊपर से ये बहुत ही अच्छा है। फ्रेंड्स, आप अगर इसे ऑनलाइन पर परचेस करना चाहते हैं तो फ्रेंड्स ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि अमेज़ॉन या फिर फ्लिपकार्ट पे ये ब्रांड या फिर ये मस्कारा अवेलेबल नहीं है। तो फ्रेंड्स, इस प्रोडक्ट को ख़रीदने के लिए आपको खुले मार्केट से ही ख़रीदना पड़ेगा। अब मैं अपने लिप को ठीक करूँगी। पहले मैं लिप लाइनर यूज़ कर रही हूँ, मार्स का लिप लाइनर। पहले मैं अपने लिप के आउटर लाइन पे ड्रॉ कर रही हूँ। अब लिप लाइनर से अपने लिप पे कुछ मार्क ड्रॉ कीजिए, कुछ लाइन ड्रॉ कीजिए कुछ इस तरह से। अब अपने पूरे लिप को लिपस्टिक से कवर कीजिए। मैं यहाँ पे मार्स का मैट लिपस्टिक यूज़ कर रही हूँ। मेरा लिपस्टिक लगाना हो गया है। अब मैं अपनी हेयर बैंड खोल रही हूँ क्योंकि मुझे हेयर बैंड में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। अब मेकअप के लास्ट दो स्टेप बाकी है जो कि हाइलाइटर और फॉल्सेस। मैं यहाँ पे हाइलाइटर के लिए किस ब्यूटी ग्लो इल्यूमिनेटर यूज़ कर रही हूँ। ये एक लिक्विड हाइलाइटर है। अब इस हाइलाइटर को अपने फिंगर से सेट कीजिए। अब मैं लगाऊंगी अपने आईलैशेस, फॉल्स आईलैशेस। मैं यहाँ पे बोंजोर का आईलैश यूज़ कर रही हूँ। आईलैश लगाने के बाद आप अपने आईलैशेस पे और अपने रियल लैशेस पे थोड़ा सा मस्कारा लगा लीजिए ताकि आपके फॉल्स आईलैशेस रियल लगने लगे। और अब हो गया है मेरा मेकअप कंप्लीट। आप अपने हिसाब से अपने स्टाइल के डिफरेंट डिफरेंट हेयर स्टाइल के इस मेकअप के साथ हेयर स्टाइल बना सकते हैं।
तो ये रही फ्रेंड्स मेरी आज की वीडियो। मेरी आज की वीडियो में मैंने, आप जैसे कि देख सकते हैं, मैंने कोई भी एक्सपेंसिव प्रोडक्ट यूज़ नहीं किए, सारे के सारे चीप प्रोडक्ट है और इसी प्रोडक्ट से मैं अपनी मेकअप की है। जैसे कि फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये मेकअप इतना ख़राब भी नहीं हुआ है। एंड फ्रेंड्स मेरी मेकअप आपको कैसे लगी हो प्लीज़ मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताए। फ्रेंड्स इफ यू लाइक माई वीडियो देन गिव इट अ थम्स अप। Never miss an update and don't forget to subscribe my channel and please 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 friends meri is video ko zyada se zyada share kijiye। Friends main aise hi helpful videos lati rahungi, so follow me and hum milte hain hamare next video mein। Take care, bye bye।